एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस की वेबसाइट पर ईएफआईआर करने की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है या कोई घटना हुई है या कोई अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है तो इस प्रकार की सुविधा यहां उपलब्ध है। लोग अपने घर बैठे ही एफआईआर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 5 महीनों में 502 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाया गया है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि लोगों को एफआईआर करने के लिए थाने पर ना जाना पड़े, लोग घर बैठे ही एफआईआर कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, पुलिस की वेबसाइट पर ईएफआईआर करने की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध है, जिसमें कि अगर कोई सामान उनका चोरी हो जाए, कोई गुम हो जाए, कोई घटना हो जाए जिसमें कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो उस प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध है। लोग अपने घर बैठे ईएफआईआर कर सकते हैं। अभी तक पिछले 5 महीनों में 202 ऐसे मामले हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में ईएफआईआर दर्ज करवाई गई है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और हमारा प्रयास रहता है निरंतर कि इसमें मीडिया के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार किया जा सके ताकि लोगों को एफआईआर करने के लिए थाने पर न आना पड़े बल्कि घर में ही बैठे वो लोग अपने मुकदमों की एफआईआर करवा सकें।